लखने के मुमरा परिसर में छोटे बच्चों से चोरी करवाने वाली टोली सक्रिय हुई है। मुमरा के गुलाब पार्क मार्केट में यह घटना घटी है। दुकान में कुछ महिलाएं आई और उनके साथ एक छोटी बच्ची भी आई। इस समय महिलाओं ने दुकानदार को बातों में व्यस्त रखा और छोटी सी बच्ची ने गले से 11,000 रुपए चुरा लिए। पैसे निकालने के बाद सभी महिलाएं दुकान से भाग गई। ठाणे के मुमरा परिसर के गुलाब पार्क मार्केट परिसर में स्थित सागर कॉस्मेटिक्स इस होलसेल की दुकान में चार महिलाएं आई और दुकान मालिक को बातों में व्यस्त रखा। इसी का फायदा उठाकर साथ आई एक छोटी सी बच्ची ने दुकान के गले से पैसे चुराए। इस छोटी बच्ची ने साथ आई महिला के हाथ से थैली लेकर गले से 11,000 रुपए गायब किए। पैसे चुराने के बाद एक दूसरे को इशारा कर महिलाएं वहां से भाग गई। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन इस सक्रिय हुई महिलाओं की टोली ने मुंबई के कारोबारियों में तनाव बढ़ते जा रहा है। और कितनी की चोरी हुई है? कल करीबन 2 बजे सब नमाज पढ़ने गए थे और 2 बजे चार लोग आए, आके ही एंट्री करते हैं, बोलते कपड़े छिए। उन लोग का फिरा के ही था चोरी करने का। वो लोग आए, अंदर घुसे, सब जगह मतलब फैल गए। वो लोग चार लोग थे टोटल। एक लड़की थी बाजू में, उसका ध्यान भटका है, वहाँ पे एक जन, टोटल चार लोग थे। चार लोग सबका ध्यान भटका है। ध्यान भटकाने के बाद एक बच्ची थी, बच्ची गई गले में पूरा छानी के कहाँ कहाँ पैसे है, कहाँ पैसे नहीं है। तो आई मास के पास से झोला ली, झोले में गई, वहाँ पे पूरा पैसा उसने बैग में पूरा डाल ली। कितना पैसा रहा होगा? करीबन 11,000 से। 11,000 कैश? 11,000 कैश के अलावा और कुछ चोरी वगैरह? नहीं सर, सिर्फ 11,000 कैश चोरी। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर।